बोले कृष्ण भगवान की जय। तो बच्चों आज जिस जगह पे आप आए हैं, इस जगह के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि इधर में हुआ क्या था। बताएं आपको, शुरू करें। तो आज हम जिस जगह पे आए हैं, वास्तव में जगह का नाम है ज्योतिसर। क्या है? ज्योति मैंने प्रकाश, यानी के भगवान कृष्ण जी ने यहाँ पे ज्ञान का ज्योति जलाया है। और इस सरोवर को हम बोलते हैं ज्ञान का सरोवर, और इसका मिलके बना फिर ज्योतिसर। बैक साइड में देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर। अभी आपने दर्शन किए थे ना? ये आदि गुरु शंकराचार्य जी बताते हैं कि 1200 साल पहले जब उन्होंने पूरे भारत को घूमा, वो घूमते हुए यहाँ पे आए और उन्होंने बैठ के यहाँ पे पूरा मेडिटेशन किया, ध्यान किया, महसूस किया इस बात को, और फिर उन्होंने कह दिया कि भगवान जो कृष्ण ने गीता गाई थी वो ठीक इसी जगह पर ही गाई गई। आज से 5500 वर्ष जो कि महाभारत का युद्ध लड़ा गया, ये पूरा ही 48 कोस का भूमि, यानी कि 156 किलोमीटर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। बताते हैं जो कि 18 दिन तक चला, 18 अध्याय गीता के हैं और 700 श्लोक हैं उसके अंदर। आज जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे दूर दराज से आते हैं, चाहे वो मुंबई से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, चंडीगढ़ से आते हैं, पंजाब से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, भारत के किसी भी कोने से आते हैं, और आने के बाद उसके मन में एक ही सवाल होता है कि मैं जब भी कुरुक्षेत्र की भूमि पे जाऊंगा और फिर उधर में जाके ये सवाल करूंगा। तो बच्चों उनका सवाल होता है सीधा साधा सा कि हमें वो लाल मिट्टी तो बताइए कि किधर है, क्योंकि बहुत भयानक युद्ध हुआ था और युद्ध के कारण ही वो पूरा का पूरा धरती लाल हो गया। लेकिन आज वो लाल धरती हमें यहाँ पे दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं देता? जिस तरह कहते पहाड़ों का पानी आता गया, मिट्टी आता गया, वो परत दा परत बनता गया, और जो लाल मिट्टी था वो गहराई के नीचे तक चला गया धीरे धीरे करके, और दूसरा मिट्टी ऊपर आता चला गया। इसलिए हमें अब वो दिखाई इधर में नहीं देता। हम फिर भी कोशिश करते हैं, यदि मिट्टी को गहराई से नीचे से खोदा जाता है तो अब भी लाल मिट्टी नीचे से अवश्य ही निकलता है। उस जमाने में बताते हैं कि उस समय इधर में ना तो किसी का मकान था, ना किसी का घर था, ना कोई गांव था, ना कोई शहर था, ये बिल्कुल एक बंजर जमीन था कि जिधर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। आज हम जिस पवित्र भूमि पे और जिस पावन धरती पे यहाँ पे दर्शनों के लिए आए हैं, ये है मध्यम, यानी के सेंटर पॉइंट के, जहाँ पे भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाया। जब अर्जुन को इधर में आके मोह गया कि मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे बंधु, मेरे अपने तो हैं प्रभु, मैं मारूं तो किसको मारूं, भगवान कृष्ण जी ने फिर इस जगह से कह दिया अर्जुन अगर तू नहीं मारेगा तो मारे ये सब जाएंगे, इसलिए उठो और युद्ध का तैयारी करो। कहते हैं कि फिर इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और इसी जगह से विराट रूप के अर्जुन को दर्शन भी हुए। भगवान कृष्ण जी ने जब उनको दिव्य दृष्टि देकर अर्जुन को पूरे का पूरा ही ब्रह्मांड दिखा दिया था कि अर्जुन अब तू पूरा ब्रह्मांड देख सकता है, मैंने तेरे को दिव्य दृष्टि दे दिया। लेकिन 11वें अध्याय में फिर भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन जो दिव्य दृष्टि आज मैं तेरे को दे रहा हूँ, ये महान ऋषियों ने मेरे लिए बड़े बड़े तप किए गए हैं, जप किए गए हैं, योग किए गए हैं, ये रूप अर्जुन मैंने उनको नहीं दिखलाया जो आज तेरे को दिखला रहा। कहते हैं कि फिर इसी जगह पे आके अर्जुन का जो मोह था वो पूरी तरह से भंग हो चुका था। इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और अंत में आके युद्ध यहाँ समाप्त हो गया। जिस पेड़ के नीचे से अभी आप आए थे दर्शन करके, कहते हैं कि भगवान कृष्ण जब इस पेड़ के नीचे गीता सुना रहे थे, उस समय गीता सुनाते समय ये पेड़ भी सदा सदा के लिए अमर हो गया, और तभी इस पेड़ का नाम पड़ा अक्षयवट। अक्षयवट। तो बहुत सारे लोग आते हैं, इस पेड़ को नमस्कार करते हैं और जो उनकी मनोकामनाएं होती है वो यहाँ से पूर्ण की जाती है, इसकी परिक्रमा की जाती है। उसमें एक मंत्र बोला जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या बोलेंगे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
इसकी ओम नमो भगवते करते हुए इसकी परिक्रमा भी हम कर सकते हैं। अगर समय है तो मैडम जी करवा सकते हैं, अगर नहीं समय तो फिर आप नहीं करवा सकते हैं। तो ऐसे ही हम प्रभु जी को प्रणाम करेंगे और आगे का जो कार्यक्रम है हमारा आज का, तो उसको हम आरंभ करेंगे। आगे कुरुक्षेत्र में भी बहुत ऐसे स्पोर्ट हैं देखने के लिए, कुछ जो बहुत ही अच्छे अच्छे आपको दिखाए जाएंगे आज। तो बोले कृष्ण भगवान की जय। तो मैडम जी मैं फिर इधर ही रहता हूँ, तो जो भी श्रद्धालु आते रहते हैं अपनी तरफ से जो भी वो देना चाहते हैं दे सकते हैं। सुनने के लिए और समय के लिए आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। बोले कृष्ण भगवान की जय। चलो बेटा, सभी बच्चे के नीचे से पेड़ पर परिक्रमा कर।